जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भूटान के ट्रिप को एक बजट ट्रिप बना सकते हैं और कैसे भूटान का ट्रिप अंडर 20,000 हम कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं ट्रैवल करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, और अगर आप लोगों को ट्रैवल वीडियोस और बाइकिंग वीडियोस पसंद है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। भूटान जाने के लिए सबसे पहली बात आती है फ्लाइट्स की। सो फ्लाइट्स यहाँ से दो तरीके से हम बुक कर सकते हैं, दो तरीके से हम भूटान पहुँच सकते हैं। पहला है कि हम डायरेक्ट भूटान की फ्लाइट ले लें जो कि न्यू दिल्ली टू भूटान जाती है, और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ से बागडोगरा तक पहले फ्लाइट लें और उसके बाद रोड ट्रिप करके भूटान में एंट्री करें। सो फ्लाइट लेने के लिए मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत अच्छी साइट बताने वाला हूँ जहाँ पे आप मिनिमम प्राइस में टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल में टाइप करेंगे स्काई स्कैनर तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप न्यू दिल्ली और भूटान डालते हैं, अगर इससे कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, कोई प्राइस यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बिकॉज वीक में एक या दो ही फ्लाइट वहाँ जाती हैं और टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बागडोगरा जा सकते हैं। यहाँ से बागडोगरा तक की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ से मैंने न्यू दिल्ली और बागडोगरा की फ्लाइट सर्च करी और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मुझे मिल गए। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक दिन में अलग अलग प्राइस दिखाई दे रहा है, कहीं पे 2000 है, 2000 समथिंग है, कहीं पे 3000 समथिंग है। ऐसे आप लोग अपना मिनिमम टिकट देख के अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये अराउंड 6000 के आसपास आपको पड़ जाती है, और अगर आप लोग कुछ टाइम पहले बुक कराते हैं 2 या 3 महीने पहले तो ये आपको इससे भी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। की तरह इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अभी हम लोग गेट पे पहुँच गए हैं अपने। हमारा जो गेट है वो 53 है, गेट नंबर 53। बगडोगरा एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। यहाँ से पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ टैक्सी या कुछ करने वाले थे, बट अभी अभी पता लगा यहाँ से ट्रेन भी डायरेक्ट जाती है। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि हम लोगों ने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटो लेके रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन से हासीमारा तक ट्रेन से जाएंगे। तो गाइस यहाँ से जो ऑटो लिया है, ऑटो का जो टिकट है ऑन एन एवरेज 100 रुपये आपको पर हेड पड़ेगा, कि जितना कम से कम खर्चा हो सके आने जाने में, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कम से कम खर्चा करें और ज़्यादा पैसा खर्च करें एक्सप्लोर करने में, फूड में, और जो भी वहाँ की बेस्ट चीज़ें हैं उसे देखने में और उसे समझने में और मे बी उसे एक्सपीरियंस लेने में। तो इसीलिए हमने क्या करा था, एयरपोर्ट से अगर हम यहाँ से जयगांव जाते हैं तो हमें अराउंड 3000 to 3500 तक की टैक्सी पड़ रही थी, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन था ट्रेन का। और ट्रेन यहाँ से जाती है जिसका टिकट है अराउंड 70 रुपये पर पर्सन। तो अभी हमने रेलवे स्टेशन पे गए थे, तो रेलवे स्टेशन पे पता लगा कि ट्रेन ऑलरेडी लेट है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो बस का है कि आप लोग बस के थ्रू भी जा सकते हो। बस का टिकट भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से बस का टिकट जयगांव डायरेक्ट बस जाती है जो कि अराउंड 120-150 के आसपास है पर पर्सन। तो टोटल यानी कि 250 रुपये में हम लोग जयगांव पहुँच रहे हैं, और जबकि अगर आप लोग वहां से टैक्सी कराते हो एयरपोर्ट से डायरेक्ट जाएगा उनके लिए, वो आपको पड़ती है 3500 के आसपास। टिकट्स के बाद दोस्तों दूसरी चीज वहां पे आती है, वहां पे रहने का खर्चा कितना होगा वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, जो हम लोगों ने वहाँ पे होटल्स लिए थे, जैसे पहले दिन हम लोग जयगांव में रुके थे, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग भूटान में एंट्री करके कोई एक होटल हमने बुक किया था, तो और उसके बाद भी हम लोगों और लोगों से भी हमें पूछा, हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि जो ऑन एवरेज है हम पे होटल वो 1000 रुपीज का मिल जाता है, और अगर आप लोग एक एवरेज निकाले तो 1200 रुपये पर हेड आपको एक बहुत अच्छा होटल वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें 4 रातों की, तो अगर हम 1200 रुपये पर हेड में एक होटल लेते हैं और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो बनता है आपका 4800, यानी कि 4800 रुपये। तो 4800 रुपये आपको वहाँ पे रहने के लिए चाहिए होंगे। और उसके बाद हम जो दूसरी जरूरत होती है वहाँ पे दोस्तों खाने की, कि मील्स जो डेली मील्स होते हैं 3 टाइप के, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो उसमें ऑन एवरेज खर्चा कितना आ सकता है। तो गाइस मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर आप लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप जैसे आप लोगों का ग्रुप है 2 लोगों का, तो उस केस में आप 2 लोग होंगे तो अगर आप लोग पर डे की 3 मील लेते हैं तो वो 900 पर हेड के हिसाब से आपकी पर डे की 3 मील पड़ेंगी। और तो अगर हम लोग 5 दिन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम कर देते हैं तो ये बनता है आपका 4500, यानी कि 4500 रुपये। तो ये हमने यहाँ पे फ्लाइट्स की और होटल की और फूड की बात यहाँ पे कर ली है। अगर आप लोग इंडिया के होटल में रुकते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, भूटान के होटल थोड़े से महंगे पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ से आप जो इंडिया का होटल नज़दीक पड़ता है
उसमें आप रह सकते हैं। और होटल्स इतने महंगे नहीं है यहाँ पे, अभी हम मे बी ऑफ सीजन में आए हुए हैं। सो जो एसी रूम था वो हमें अराउंड 1800 के आसपास पड़ रहा था, और नॉन एसी रूम है वो हमें 900 रुपये का पड़ रहा है। तो गाइस ये यहाँ की मेन्यू है, इकोनॉमिक रेट है, इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो गाइस हमारी आ गई है फिश करी और फिश मसाला और राइस, लोकल फूड लोकल स्टाइल में, उसका तो मज़ा ही कुछ और। किसी ट्रैवल एजेंट के पास या फिर फोटो स्टेट वाली शॉप में आपको ये परमिट मिल जाएगा आसानी से। परमिट हमारा बन चुका है। तो एक टिप है कि परमिट बनाने के लिए आप एक तो प्री बुकिंग होटल की रिसिप्ट लेकर आएँ, या वो एक प्रिंट आउट लेकर आएँ बुकिंग का, और प्लस आधे से एक घंटे यहाँ पे लगता है परमिट बनाने के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कि आप लोगों को पहुँचना कैसा है वहाँ पे और हर जगह पे कैसे पहुँचना है। तो ये टोटली हमें जो एयरपोर्ट से भूटान तक का जो ट्रांसपोर्टेशन पड़ा था, अगर मैं राउंड ट्रिप की बात करूँ तो 2000 पर हेड के आसपास ये हमें पड़ा था। जैसे आप भूटान में एंट्री कर लेते हो बाई वॉकिंग, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा टैक्सी स्टैंड दूर है, तो आपको टैक्सी स्टैंड में जाने के लिए तो लोकल टैक्सी लेनी पड़ती है, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्ट यहाँ से थिम्फू के लिए किसी से पूछ सकते हैं अगर कोई लोग जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी शेयर टैक्सी यहाँ से डायरेक्ट थिम्फू भी जाती है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रही है तो आप सीधे टैक्सी स्टैंड चले जाइए। हमें यहाँ से एक टैक्सी मिल गई है डायरेक्ट थिम्फू के लिए, शेयर टैक्सी, जो हमें 650 पर पर्सन बता रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं उसमें निकल जाते हैं। तो वैसे आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रेड बुल है जो 50 रुपीज़ में मिलती है। अब रेड बुल तो पता ही होगा, ये पता नहीं रेड बुल का कौन सा वर्जन है, यहाँ का भूटानी वर्जन है, देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लगी तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए। और ऐसी रेड बुल हमें वहाँ पे मिली थी बाली में, जब हम लोग बाली गए थे। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों ने मेरी बाली वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज द जर्नी बिगिंस फ्रॉम हेयर, और हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और भूटान में एंट्री कर ली है। सो गाइज फाइनली हम लोग होटल में पहुँच गए हैं। This is the first impression of our room. So wow, nice. The view is pretty good from here. Pool. Well and good. Nice. Not a bad deal, yaar. 2000 में ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो ठीक। होटल के बारे में पूछोगे, होटल ओके था, और अभी ऑफ सीजन है तो थोड़ा हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ा। आई थिंक वैसे महंगा है, और सर्विस वॉज गुड, मतलब ओके ओके सर्विस है, प्लस बाकी चीज़ें ऑन एन एवरेज है। सो गाइस अभी बज गए हैं 5:14 और हम लोग पहुंच गए हैं पारो। गाइस हम लोग होटल में पहुंच गए हैं, और होटल का नाम क्या भैया? केके होटल। केके होटल कामाधुरी जी यहां पे आपको मिलेंगे, और हम लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग कर ली है। सो गाइस अगर आप लोग इस होटल पे आते हो और मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको एक अच्छा डिस्काउंट देंगे। सो गाइस ट्रांसपोर्टेशन के बाद बात करते हैं, वहाँ पे अगर आप लोग घूमना चाहते हो या एक एक जगह कवर करना चाहते हो, साइट सीइंग करना चाहते हो प्रॉपर, तो आप लोगों को एक टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। तो टैक्सी का ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें पर हेड 2000 रुपीज़ आपको पड़ सकता है। और अगर आप लोगों का ग्रुप बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 4 लोग हैं, अगर 4 लोग एक टैक्सी में जाते हैं तो ये और भी कम हो सकता है। तो गाइस हमने बात करी फ्लाइट टिकट्स की, हमने बात करी होटल्स की, हमने बात करी वहाँ पे मील्स की, और हमने बात करी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। सो गाइस इसके अलावा जब आप लोग वहाँ जगह जगह घूमने जाते हो तो कई अलग अलग मॉनेस्ट्री विजिट करते हो, या फिर जितने म्यूजियम है वहाँ पे विजिट करते हो, जैसे कि वहाँ पे सबसे फेमस जो मॉनेस्ट्री है टाइगर मॉनेस्ट्री, वहाँ भी विजिट करते हो, तो ऑन एन एवरेज जो है हर जगह पे जो टिकट देना पड़ता है उसका अगर हम एवरेज निकालें तो 700 के आसपास आपको पर हेड वो पड़ सकता है। इसका मतलब अगर आप लोग जाना चाहते हो तो 700 रुपये पर हेड आपको वो देना पड़ सकता है। और इन सबका अगर हम दोस्तों टोटल करें तो ये अराउंड आपका 20,000 रुपीज़ बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने 5 दिन भूटान में 20,000 रुपीज़ में स्पेंड कर लिए हैं, जिसमें आप लोगों ने हर जगह घूमा भी है और अच्छे से खाना भी खाया है और अच्छे जगह में रहे भी हो। सो गाइस अगर आप लोगों को यहाँ से टाइगर नेस्ट जाना है पारो से, तो आप सीधे टैक्सी स्टैंड, जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ आ सकते हैं। वहाँ से इजीली आपको टैक्सी मिल जाएगी, अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन रहेगी। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट्स लेनी होती है मॉनेस्ट्री में एंट्री करने से पहले, और टिकट है 500 रुपीज़ पर पर्सन। और हम लोगों ने अपने अपने स्नैक्स कैरी कर लिए हैं यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और बेसिकली अगर आप लोगों को गाइड वगैरह चाहिए तो आप गाइड भी ले सकते हैं, स्टिक भी आप लोग ले सकते हो, यहाँ पे 50 रुपीज़ रेंट पे मिलती है।
there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. Up above, just like below, and I don't know where I should go. और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आई तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो आगे से ना बनाऊं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस ट्रैवल प्लान या फिर इस ट्रिप से रिलेटेड या कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी या सजेशन है तो मुझे कॉमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी इंस्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर बहुत ही एक्टिव रहता हूँ और आपको क्विकली रिप्लाई कर सकता हूँ, और इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।